अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीपीएनआर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग अगर अपने कंप्यूटर या लैपटॉप का हार्ड ड्राइव शो या हाइड करना चाहते हैं तो कैसे करें। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल टीपीएनआर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके आगे जो बेल का आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल पे सेट कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। मैं कंप्यूटर में जाता हूँ और कंप्यूटर में जाने के बाद यहाँ आप देखें तो मेरे पास तीन ड्राइव है, सी डी और जी वाला, ये देखें। तो अभी आपको अगर मैं यहाँ से जी वाला आपको हाइड करके दिखाने वाला हूँ तो मैं यहाँ से इसको ओपन करके दिखा भी देता हूँ। इसमें डेटा है तो ये देखें, यहाँ पे इसमें 5 इमेज यहाँ पर हैं। तो हाइड करने के बाद फिर मैं जब शो करूंगा तो फिर आपको दिखाऊंगा कि मेरा डेटा भी है, मतलब कि डेटा मेरा डिलीट नहीं हुआ। तो मैं इसे क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद तो सबसे पहले आपने कंप्यूटर पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको मिलेगा मैनेज। जैसे ही आप मैनेज पे क्लिक करेंगे तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। कुछ वेट के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, आप देख सकते हैं ये आ गया। तो इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आएगा तो आपने उसके लिए क्या करना है, आपने यहाँ पे आपका स्टोरेज होगा, आप स्टोरेज में आना है। और यहाँ पे अगर आपको ये शो नहीं हो रहा डिस्क मैनेजमेंट तो आपने स्टोरेज पे डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट मिलेगा, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपकी यहाँ जितनी भी हार्ड डिस्क कंप्यूटर में लगी होंगी तो यहाँ पर वो शो हो जाएंगी। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये 500 GB की हार्ड डिस्क और इसके तीन पार्टीशन शो हो रहे हैं, एक विंडो वाला, एक सिस्टम रिसीव्ड जो कि हाइड है और एक मेरा डेटा वाला। और यहाँ पर इसका एक ड्राइव है तो यहाँ पर ये देखें इसका एक ड्राइव शो हो रहा है। तो अभी मैं इसी को अगर हाइड करना चाहूँ तो राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा चेन ड्राइव लेटर एंड पेन, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलता है रिम्यू, आपने रिम्यू पे क्लिक करना है। रिम्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ यस पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये हमारा ड्राइव रिम्यू हो चुका है जी। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ये ड्राइव रिम्यू हो चुका है, यहाँ से हाइड हो चुका है। तो अभी फिर से अगर आप इसको शो करना चाहें तो आपने सिंपली वही करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करके मैनेज में जाने के बाद फिर स्टोरेज में और डिस्क मैनेजमेंट में आने के बाद फिर यहाँ पर आप आ जाएंगे। तो उसके बाद आपने फिर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर मिलेगा चेन ड्राइव लेटर एंड पैथ, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपको मिलेगा ऐड। ऐड पे क्लिक करने के बाद आप जो भी यहाँ से नेम देना चाहें, नेम देने के बाद आपने सिंपली यस ओके पे क्लिक करना है। तो दोस्तों आप यहां से देख सकते हैं कि ये मेरा ड्राइव शो हो गया, ये देख सकते हैं आप। अब ये देखें कि ये मेरा डेटा यहां पर है। आज की वीडियो में इतना, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।